हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए मेहंदी के ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो कि फर्स्ट है। ये रहा मेहंदी का कीप। तो दोस्तों, ये न्यू कीप है, मैं इसका पिन निकाल देती हूँ। और अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम मेहंदी यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये जो सामने से है ना, थोड़ा मोटा मोटा मेहंदी लगाना आप सीखिए। यहाँ से थोड़ा सा कट कर लीजिए। ये देखिए, मैं यहाँ से कट करती हूँ। जितना भी बारीक से करेंगे ना आप, तो नहीं होगा आपसे। तो यहाँ तो ये देखिए, थोड़ा सा होल मोटा हो चुका है, तो आप इजली आप यहाँ पे मेहंदी लगा सकते हो आप सीखने के लिए। उसके बाद जब आप सीख जाइएगा, तब जितना मर्जी पतला लगाइए, ठीक है। तो ये रहा, सबसे पहले ना लाइन लगाना सीखिए। जैसे कि ये रहा सीधा सीधी लाइन, ये देखिए, सबसे पहले सीधी लाइन लगाना सीखना है। आप सीखने के लिए कोई भी वेस्ट सामान लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो केक ऑर्डर किए थे हम, तो केक का जो ट्रे होता है, मैं उसी में आपको सिखा रही हूँ। कोई अच्छा कॉपी ये सब यूज मत कीजिएगा। कोई भी वेस्ट चीज में सीखना है तो आप इस तरह से सीखिए। ये देखिए, पहले आप लाइन लगाना सीखिए बराबर बराबर में, या फिर आप सर्कल इस तरह से स्क्वायर बनाना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बारीक है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप और थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। जबकि मेरे लिए सूटेबल है, सो मैं नहीं कट कर रही हूँ। इसके बाद आप इस बॉक्स के अंदर लाइन लगाइए इस तरह से। फिर इसको इस तरह से पर आपको डॉट देना है, तो बीच में आप डॉट भी दे सकते हैं। डॉट देने के लिए आप बिल्कुल मेहंदी को इस तरह से कॉपी में टच मत कीजिएगा किसी चीज में, क्योंकि डॉट दे रहे हैं आप जब बिंदी डाल रहे हैं, तो इस तरह से नहीं, हल्का सा ऊपर कीजिएगा इस तरह से। देखिए, मैं आपको कैमरे के सामने दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर किए हैं, टच नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो गुलाई है वो मेहंदी की अच्छी आती है, अगर आप दबा के इस तरह से कीजिएगा ना, तो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी मोटा सा गत्ता है आपके घर में, या फिर जो जिसमें कपड़े आते हैं, जो कार्टून बॉक्स होती है, रैपर होती है, उस रैपर में भी आप सीख सकते हैं मेहंदी। अब मैं लगाऊंगी टेढ़ा लाइन, जिगजैग वाली लाइन। अब अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मेहंदी पकड़ना है ना, वो पेन की तरह पकड़िए, ना कि इस तरह से, ना कि यहां से, और बीच में से भी नहीं। और इस उंगली से आप जो थंब है, आपका अंगूठा है, उससे लाइट प्रेस करते रहिए। ये तो पकड़ने के लिए हो गया आपका, ठीक है। और इससे प्रेस करना है आपको इस तरह से। देखिए, निकल रहा है, देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए। अब आपको ऐसे करना है, आपको ये वाली मेहंदी सीखने के लिए ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो आप जो ड्राई सूखी मेहंदी होती है, जो कि दुकान में अवेलेबल है, हीना सूखी मेहंदी, ड्राई मेहंदी पेस्ट एकदम डस्ट होता है, तो आप उसका भी उसको भी आप अगर खरीद लेंगे, तो बहुत सारा होगा आपके सीखने के लिए, अच्छा रहेगा। और कीप बना लीजिए, मैं आपको कीप बनाना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कीप किस तरह से बनाया जाता है। और ड्राई मेहंदी डालकर आप उस तरह आराम से आप मेहंदी सीख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, ये मैं 10 रुपीज़ की लेकर आई हूँ। तो आप कितना 10-10 रुपये खर्च करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप सूखी मेहंदी लाइए, कीप बनाइए घर पे, और मेहंदी का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा है। जब यहां से मेहंदी खत्म हो जाती है, तो आप इस तरह से
फिर इसको आगे थोड़ा सा इसको यहाँ प्रेस कर दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और हमेशा मेहंदी सीखने के टाइम एक वेस्ट कपड़ा रखिएगा, मैंने रखा हुआ है कई बार साफ करने के लिए, तो जो डॉट वगैरह ये खराब नहीं है, मैंने आपको बता रही थी कि इस तरह से डॉट दीजिएगा हल्का सा ऊपर से। ये देखिए स्क्वायर से ही आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। अब इधर इधर डॉट दे दीजिए। ये है आपका बेसिक नॉलेज। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको लाइनिंग और जो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, उस टाइप में मैं आज आपको दिखा रही हूँ। जस्ट लाइनिंग में ही डिजाइन बता रही हूँ। अभी मैं ना तो गोल्फ करूंगी, ना गुलाई में करूंगी, ना मैं पत्तों वाली करूंगी, ना मैं अम्बी जो होती है, एक अम्बी डिजाइन होती है इस तरह से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी वो हार्ड है। आप जब बेसिक है, बेसिक नॉलेज अभी लीजिए आप, जो कि अभी क्योंकि आप फ्रेशर हैं, अभी आप सीख रहे हैं। मैं आपको अब मोटा करके दिखाती हूँ। देखिए मैं काट रही हूँ, ये देखिए। जब आप डॉट देंगे तो इस तरह से, जब अगर आप बड़ी बड़ी डॉट देना चाहते हैं तो इस तरह से डॉट दीजिए। उसके बाद इसके साइड में मैं साफ कर रही हूँ कपड़े से, फिर साइड में मेहंदी को ऊपर उठाकर, ये देखिए। ठीक है, स्मूथली
लाइट प्रेस कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो ना आपका अंगूठा दुखेगा, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो ना। अब प्रेस करने के बाद ना थोड़ा सा ना ऊपर उठा लीजिएगा और इस तरह कीजिएगा, देखिए स्मूथली निकल रहा है। अगर आप इस तरह से करते रहिएगा ना तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। डायरेक्ट निकालिए मेहंदी और इस तरह से लाइन लगाइए, मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये देखिए, अगर आप इस तरह से धीरे धीरे जाएंगे ना तो इस तरह ये देखिए ऐसे हो जाएगा, लाइन टेढ़ी हो जाएगी। चलिए मैं और एक डिजाइन आपको बता देती हूँ। ये मैंने बारीक से किया है, आप यहाँ पे बड़ा करके करके सीखिएगा। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मेरा जो ये रैपर है जो कि केक का गत्ता है वो बहुत ही छोटा हो गया है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप जब ट्राई कीजिएगा तो कोई बड़ा सा गत्ता लेकर कीजिएगा, मैं फिर आपको बता देती हूँ। ये जो प्लस का निशान है जो बीच में दिख रहा है आपका, उसके साइड साइड में यहाँ से बिंदी डाल ली है, देखिए ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गोल्फ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।